ईडी ने फंसाया पेच, बर्बाद हो गए केजरीवाल। 100 करोड़ का खेल, जाएगी केजरीवाल की कुर्सी। आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट, कोर्ट ने कर दिया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि उनके हाथों से आम आदमी पार्टी भी जाने वाली है। एक तरफ तो सीएम साहब जमानत की उम्मीदों में बैठे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार के बीच ईडी ने खेल कर दिया है। पूरी आम आदमी पार्टी सिर पकड़कर बैठ गई है। बड़ी खबर तो ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा है कि मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ईडी की 8वीं पूरक चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम और आपके खिलाफ दायर 8वीं पूरक अभियोजन पर संज्ञान लिया है। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी का वारंट भी जारी कर दिया है। तो कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर केजरीवाल को बुरी तरह फंसा दिया है, क्योंकि अब न सिर्फ केजरीवाल की कुर्सी दांव पर लग सकती है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता ही जा सकती है। क्योंकि अगर केजरीवाल पर दोष साबित हो जाते हैं और आम आदमी पार्टी पर आरोप साबित करने में ईडी कामयाब रहती है, तो कोर्ट सजा तो सुना ही देगा, बल्कि मामले में चुनाव आयोग की एंट्री भी हो सकती है। और चुनाव आयोग आरोपों के हिसाब से न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द कर सकता है, बल्कि चुनाव चिन्ह भी जब्त कर सकता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा संकट केजरीवाल सरकार पर आता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ ईडी ही नहीं, सीबीआई भी केजरीवाल के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा लेकर खड़ी है। सीबीआई के आरोपों पर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले ईडी ने केजरीवाल पर क्या क्या आरोप लगाए, चलिए शुरुआत से बताते हैं। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल पर आरोप। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर ने रिश्वत मांगी थी। गोवा और पंजाब में चुनावी फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थी। जब उन्होंने और पैसे देने से मना कर दिया तो आप नेता उनसे नाराज हो गए। ईडी ने यह दावा आरोपी से सरकारी गवाह बने बिजनेसमैन पी शरत रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के करीबी विनोद चौहान ने दिल्ली से गोवा तक आपके लिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए की रिश्वत के ट्रांसफर को हैंडल किया। विनोद चौहान ने ही सीएम के जरिए दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों की पोस्टिंग को भी मैनेज किया। साउथ ग्रुप ने 2021 और 22 में अनुकूल शराब नीति के बदले आपको कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए थे। इस ग्रुप के अन्य प्रमुख व्यक्तियों में लोकसभा सदस्य मगुंटा रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और के कविता शामिल थी। तो ईडी को शराब घोटाले के सारे सबूत हाथ लग चुके हैं, जो खुलासा कर रहे हैं कि केजरीवाल शराब नीति बनाने से लेकर रिश्वत के पैसे के आने तक के पूरे खेल में शामिल थे। बावजूद उसके भी आम आदमी पार्टी शोर मचा रही है कि केजरीवाल बेकसूर हैं। सिसोदिया ने कोई गुनाह नहीं किया, अगर बेकसूर हैं तो उनके खिलाफ सबूत कहां से आए और क्यों घोटाला सामने आने के बाद केजरीवाल को नई शराब नीति को वापस लेना पड़ा। इस बात का सारा काला चिट्ठा अब कोर्ट में खुल चुका है और कोर्ट ने भी मान लिया है कि केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, आगे केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बौखलाना शुरू कर दिया है, फिर से बीजेपी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया है कि ईडी बीजेपी के राजनीतिक विंग की तरह काम कर रही है। भाजपा आपको भविष्य में सबसे बड़ा खतरा मानती है, इसलिए वे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर आपको खत्म करने की साजिश कर रही है। पिछले 2 साल से जांच कर रही ईडी और सीबीआई ने एक फर्जी केस बनाया है, जबकि भाजपा और उसके नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से एक झूठी मुहिम चलाई है। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ईडी और कोर्ट की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश करार दिया, आरोप लगाए, तुरंत बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी पलटवार किया। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाते हुए कहा, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शराब घोटाले में दाखिल 7वीं पूरक चार्जशीट के आधार पर न्यायालय से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन होना एक गंभीर मामला है। दरअसल ये चार्जशीट से साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य लाभार्थी और साजिशकर्ता हैं। तो फिलहाल अब आम आदमी पार्टी चिल्लाए बौखलाए होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि तमाम सबूत ईडी सीबीआई कोर्ट में पेश कर चुकी है और ईडी की चार्जशीट पर अब कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। अब कोर्ट फैसला करेगा कि आखिर दोषी कौन है
और कौन बेगुनाह है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी दोगुनी होती दिखाई दे रही हैं। तो आने वाले वक्त में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या केस आगे अरविंद केजरीवाल पर चलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।